नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर हम आपको यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, एसएससी, टेट, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, इनको आपको एक वीडियो के माध्यम से इसको नोट्स बना लीजिए, ये प्रश्न पूछता ही है। दोस्तों, शुरू से अंत तक देखें इस वीडियो को। यहाँ पर हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस चार ऑप्शन के साथ में हमने जो है इसको बताया गया है। वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और दूसरों को भी शेयर करना चाहिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मैनी वर्ड्स के लेखक कौन है? मैनी वर्ड्स के लेखक ऑप्शन दिया हुआ है डोम मोरेस, के पी एस मेनन, वी एस नेपाल, आर के नारायण। इसका सही आंसर है के पी एस मेनन। दूसरा क्वेश्चन है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है गुन्नार मिर्डल। देखिए तीसरा प्रश्न है, श्री अरबिंदो घोष ने किस पुस्तक की रचना की? याद रखिएगा सारे लोग जो है इंडिया विंस फ्रीडम को जो है टिक लगाते हैं। इसका सही आंसर है इंडियन फिलॉसफी। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक पत्र रूप में लिखी गई है? पत्र रूप में याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन है ये ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो है पत्र रूप में पुस्तक लिखी गई है। याद रखिएगा पांचवा प्रश्न है, प्राइस ऑफ पावर के लेखक कौन है? प्राइस ऑफ पावर कुलदीप नायर जी इसके लेखक हैं। याद रखिएगा छठवां प्रश्न, मोरारजी पेपर्स के लेखक कौन है? मोरारजी पेपर्स अरुण गांधी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हर्षचरित के रचयिता कौन है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बाण भट्ट। आठवां प्रश्न है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन थे? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? एक नाटक है, इसका नाटककार है शेक्सपियर। याद रखिएगा शेक्सपियर के सारे किताबों का नाम आपको याद होनी चाहिए। नौवां प्रश्न है, निषिद्ध पुस्तक सिख भाषा में लिखी गई किस भाषा में लिखी गई है? निषिद्ध पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? निषिद्ध गुजराती भाषा में लिखी गई है। दसवां प्रश्न है, विजय तेंदुलकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? मराठी भाषा के विजय तेंदुलकर। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्न सूक्ति किसने कहा था कि शक्ति बंदूक की नली से होकर बहती है? शक्ति बंदूक की नली से होकर बहती है किसने कहा था? यह है माओत्से तुंग ने कहा था कि शक्ति बंदूक की नली से होकर बहती है। बारहवां प्रश्न है, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस कोटेशन को कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं। आइए तेरहवां प्रश्न देखते हैं, वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के बारे में किसने किसका कथन है? ये है जवाहरलाल नेहरू जी का, वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। चौदहवां प्रश्न, सभी लोग इस कहावत को जानते हो, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग किसने कहा था? अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, अलेक्जेंडर पोप का ये कोटेशन है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है बंकिम चंद्र चटर्जी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ये जन गण राष्ट्रीय गान के रचयिता है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन,
आई कैम, आई सा, आई काकड़ किसका कथन है? ये नेपोलियन का कथन है। आई कैम, आई सा, आई काकड़ किसका कथन है? नेपोलियन का कथन है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, गीतांजलि नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? गीतांजलि नामक पुस्तक बंगला भाषा में लिखी गई है। 18 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, ये उड़ीसा के जयदेव बहुत ही फेमस नाम है, गीत गोविंद के लेखक, इसको गाया जाता है। 19, कोर कागज किसकी रचना है? अमृता प्रीतम। कोर कागज किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, शकुंतला नामक चरित्र किसका है? ये कालिदास का है। 21 नंबर क्वेश्चन, गोरा का निर्माण किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, गुलिस्ता किसकी रचना है? अनवर सादात। ये इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कठिन है लेकिन ये पूछा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरद सी इलियट है। 24 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक डोमिनिक लेपियरे एंड लेरी कॉलिंग्स। ये बहुत कठिन नाम है लेकिन इसका ये प्रश्न पूछा जाता है। 25 नंबर अंतिम प्रश्न हमने लिया हुआ है, सनी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? सनी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर सनी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। साथियों, आपको यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल में पहली बार आकर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स जो गांव एवं गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है, ये चैनल जो शुरुआत हुआ है गांव और गरीब छात्रों की सहायता करने के लिए है, इसलिए इनकी सहायता करना ज़रूरी है। चूँकि मान लीजिए वो जंगल में है, सुदूर क्षेत्र में है, उनके पास में न तो पढ़ने के लिए कोई किताब है, न ही लाइब्रेरी है, न ही कोचिंग सेंटर है, और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए भी पैसा चाहिए, उनके पास में पैसा नहीं होता है। लेकिन उनके पास में जियो सिम है जो 300 से 400 रुपया क्वार्टरली वो अपना वहन कर सकता है। इस चैनल के माध्यम से हम उनको पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराते हैं ताकि उनको भी वही अधिकार प्राप्त हो जो शहर में रहने वाले जो पैसे वाले पार्टी हैं उनको उपलब्ध हो पाता है। तो इसीलिए आपको हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ आप लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ये होगा कि हमारे चैनल का स्टेटस थोड़ा सा बढ़ेगा, लोग अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग में देखेंगे, और दूसरी बात शेयर करेंगे तो गांव और गरीब बच्चों तक हमारी जो चैनल के वीडियो हैं वो उन तक पहुँच पाएगी। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे या शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे तब तक ये गांव और गरीब बच्चे को जो है उनके साथ में न्याय नहीं हो पाएगा। ये हमारा जो पाठ्यक्रम सामग्री है, जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराते हैं, और बहुत सारे बच्चे नेट और जेआरएफ क्लियर करते हैं, पीएचडी कैसे करें, एमफिल कैसे करें, उनकी अधिसूचनाएँ हम जारी करते हैं। साथ ही साथ जितने भी नोटिफिकेशन है हायर एजुकेशन से जुड़े हुए, चाहे वो यूजीसी रेगुलेशन से हो, चाहे वो एमएचआरडी का डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन हो, या किसी भी विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन हो, उसको हम समाचार पत्रों से चुन कर जो है आपको वीडियो के माध्यम से सूचनाएँ पहुँचाते हैं। साथ ही साथ सहायक भर्ती, सहायक प्राध्यापक भर्ती की सूचनाएँ और किस तरह से सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं, ये समस्त जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रोमोट करें, कमेंट्स लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ये होगा कि हमारे चैनल का स्टेटस थोड़ा सा बढ़ेगा, लोग अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग में देखेंगे, और दूसरी बात शेयर करेंगे तो गाँव और गरीब बच्चों तक हमारी जो चैनल के वीडियो हैं वो उन तक पहुँच पाएगी। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे या शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे
तब तक ये गांव और गरीब बच्चे को जो है उनके साथ में न्याय नहीं हो पाया।